क्या बैकलॉग लगने से आपके प्लेसमेंट के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है? अगर आपको बैकलॉग लगता है तो क्या आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं दिया जाता है? अगर आपको बैकलॉग लगता है तो क्या आपको प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं दिया जाता है? ऐसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मन में आते होंगे, बट इस वीडियो के थ्रू गाइज मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो देने वाला हूँ। साथ ही में गाइज जब कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए कॉलेजेस में तो उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वहाँ पर बैकलॉग्स के ऊपर क्या मेंशन रहता है, ये सारी चीज़ें गाइज मैं आपको इस वीडियो में थ्रू एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ताकि आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मिल जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहे गाइज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर ये वीडियो जो है वो शेयर करना, ताकि उनको भी गाइज बैकलॉग के ऊपर सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे देता हूं कि क्या बैकलॉग लगने से आपके प्लेसमेंट के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो जी हाँ गाइज, अगर आपको बैकलॉग लगता है तो आपके प्लेसमेंट के ऊपर कुछ जो इफेक्ट्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इसमें भी गाइज कुछ कंडीशंस होती है। अगर आपका एक्टिव बैकलॉग है तभी जाके आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ सकता है, अगर आपका डेड बैकलॉग है तो आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी एक्टिव बैकलॉग और जो डेड बैकलॉग है ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, और फिर जो एक्चुअल कंपनीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव और डेड बैकलॉग जो है वो हम देखते हैं। सपोज करते हैं कि आप सेमेस्टर वन के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर वन की आपकी जो एग्जामिनेशन है वो अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सेमेस्टर वन की एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलता है कि 5 सब्जेक्ट में से आपका एक जो सब्जेक्ट है वो अब बैकलॉग में चला गया। बैकलॉग लगना मतलब फेल होना, ठीक है। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट बैकलॉग लग जाता है, मीन्स एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, तो वो आपका एक बैकलॉग कहलाएगा। तो जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तब आप एग्जामिनेशन दोगे तो एक बैकलॉग की जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है। अगर वो बैकलॉग एग्जामिनेशन आप सेकंड सेमेस्टर में देते हो और उस बैकलॉग एग्जामिनेशन में आप पास हो जाते हो, तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैकलॉग रहेगा वो अब डेड बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है। मींस आपने उसको जो है वो पास कर लिया है और अब उससे कोई जो आपको इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बारी आती है गाइस एक एक्टिव बैकलॉग की। तो सपोज आपने सेमेस्टर वन की एग्जामिनेशन दी, उसमें आपको एक बैकलॉग लग गया। सेमेस्टर टू में आप गए, बैकलॉग की एग्जामिनेशन आपने दी, बट अगर उस एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाते हो तो ये रहेगा गाइज आपका एक्टिव बैकलॉग, जिसकी एग्जामिनेशन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी देनी पड़ेगी और उसको जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक गाइज वो जो बैकलॉग है वो एक्टिव बैकलॉग कहलाएगा, ठीक है। जैसे ही आप उस एग्जामिनेशन को पास कर देते हो तो वो जो है वो डेड बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजंस है, क्योंकि जब कंपनीज आती है गाइज कैंपस में, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैकलॉग के ऊपर कुछ जो है वो मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये है गाइस कुछ कंपनीज़ का क्राइटेरिया। जब भी कंपनीज़ आपके कैंपस में आएगी तो सबसे पहले वो अपना पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो आपको देती है, और फिर उसके बाद हमें जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। तो इस कंपनी का नाम है गाइस हेक्सावेयर। ये कंपनी ऑन कैंपस मतलब कॉलेज में आई थी, ठीक है, ऑफ कैंपस वाला नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप, फिर कॉस्ट ऑफ कंपनी, CTC वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन रहता है कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए, कौन से कोर्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन रहता है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हो तभी जाके आप इसका जो फॉर्म है वो भर पाओगे। तो सबसे पहले 60% और 6 CGPA थ्रू आउट 10th to highest degree, ठीक है। तो 10th और 12th में आपको जो है 60% से ज़्यादा रहना चाहिए, और जब आप UG में जाओगे तो उसमें भी 60% या फिर 6 CGPA से जो है वो ज़्यादा रहना चाहिए, ऐसे इस कंपनी का क्राइटेरिया था, ठीक है। मैक्सिमम कंपनी जितनी भी आएगी गाइज तो वो सभी यही बोलेगी कि आपको 10th और 12th में जो है वो 60 या फिर 60% से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कंपनीज़ में हमें यही देखने को मिलता है। कुछ कंपनीज़ बोलती है कि 10th और 12th में आपको 70 या फिर उसके ऊपर रहना चाहिए, बट मैक्सिमम 60 का जो क्राइटेरिया है वो रखते हैं। तो अगर आपको 60 से कम है तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, अगर आपको 60 से ऊपर है 10th एंड 12th में तो आपको ऑलमोस्ट आप सभी कंपनीज में जो है वो बैठ पाओगे। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे जो बैकलॉग्स के ऊपर है, नो एक्टिव बैकलॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका कोई भी जो एक्टिव बैकलॉग है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सेमेस्टर वन में एक बैकलॉग था और आपने सेमेस्टर टू में उसको निकाल लिया और वो डेड हो गया तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बैकलॉग लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बैकलॉग अगर आपसे क्लियर नहीं हो पा रहा है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है प्लेसमेंट्स के टाइम, ठीक है। तो अगर आपको बैकलॉग लगता है आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके उसको क्लियर कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट सपोज़ अगर आपको 3rd ईयर में 6 सेमेस्टर में बैकलॉग लग जाता है और फाइनल ईयर में 7 सेमेस्टर में कंपनीज आती है और आपका जो बैकलॉग है वो क्लियर होने का है तो वो एक्टिव बैकलॉग कहलाएगा, तो उस टाइम आपको जो है वो प्रॉब्लम आता है। तो ट्राई करना जब आप 3rd ईयर वगैरह में जाओगे तो 3rd ईयर में अगर आपको बैकलॉग नहीं लगेगा तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1st ईयर में बैकलॉग रहेगा तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, आपको 2nd सेम भी मिलेगा, 2nd ईयर का 3rd सेम 4th सेम में भी आप जो है वो क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो 1st ईयर 2nd ईयर में बैकलॉग लगता है तो आप इजीली जो है वो फिर क्लियर कर पाओगे,
अगर थर्ड ईयर में बैकलॉग लगता है तो फिर कंपनी जाना शुरू हो जाती है, तो जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक वो जो है वो एक्टिव बैकलॉग कहलाएगा और आपको प्रॉब्लम होगा कंपनीज़ की जो एग्जामिनेशन है वो देने में। तो बैकलॉग लगना प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव बैकलॉग है वो एक प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे 2 ईयर सर्विस एग्रीमेंट, जॉइनिंग लोकेशन, ये सारी चीज़ें दी है, ठीक है। फिर सेकेंड कंपनी का भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ड्रैगन फ्लाई। इसका जो CTC है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हाइयर पैकेज वाली कंपनीज़ का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका 10.5 से 12.5 के आसपास जो CTC है वो हमें देखने को मिल रहा है। फिर पूरा डिस्क्रिप्शन है कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये है। यहाँ पे भी इन्होंने क्या मेंशन किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% थ्रू आउट 10th, 12th एंड BE विथ नो एक्टिव बैकलॉग्स, ठीक है। इसमें भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अगर आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं है तो आप बैठ सकते हो, और अगर आपके 60% या फिर उससे ऊपर है 10th, 12th और BE में तो आप इस कंपनी के लिए जो है वो एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट और एक कंपनी है गाइस, ये है बेंटली सिस्टम्स। ये भी काफ़ी कॉलेजेस में आती है, ऑन कैंपस आप देख सकते हो। CTC है 8.6, स्टाइपन वगैरह, जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये कंपनी क्या बोल रही है, 70% एग्रीगेट थ्रू आउट इन 10th, 12th एंड BE विथ नो एक्टिव बैकलॉग्स, ठीक है। तो आपके 10th में, 12th में और BE के डिग्री में 70 या फिर 70 से ऊपर जो परसेंटाइल है वो रहना चाहिए, ठीक है, और आपका जो है वो कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको काफ़ी कम कॉलेजेस में, मतलब काफ़ी कम कंपनीज़ में जो है वो देखने को मिलेगा। मैक्सिमम कंपनीज़ जो है गाइस वो 60% है 10th एंड 12th में, वही बोलती है, और BE में भी 60% के ऊपर अगर रहते हैं तो आप एलिजिबल रहोगे। कुछ कंपनीज़ रहेगी 5% या फिर 10% कंपनीज़ जो कि बोलेगी आपको 70%, 80% या फिर 85% तक भी जो है वो जाता है, बट बहुत ही गिनी चुनी कंपनीज ऐसा बोलती कि 70%, 75% या फिर 80%, मैक्सिमम कंपनीज 60 या फिर 65 के आसपास जो है वही जाती है। 15 लाख वाली कंपनीज भी 60% के आसपास ही जो है वो पूछती है, ठीक है। तो अगर आपको 60 के ऊपर है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बैकलॉग लगा भी है और अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका जो एक्टिव बैकलॉग है वो नहीं रहना चाहिए। बैकलॉग की एग्जामिनेशन जब आप दोगे तो उस एग्जामिनेशन को पास कर लेना, फिर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अगर आप क्लियर कर देते हो तो। मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका YD लग गया था तब भी उनका जो प्लेसमेंट है वो हो गया है, ठीक है। YD मतलब ईयर डाउन होता है। अब ये ईयर डाउन कब लगता है, जिनके ज़्यादा बैकलॉग लगते हैं उनको ईयर डाउन लग सकता है, इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो डिटेल में मैं बताऊंगा कि कितने बैकलॉग अगर लगे तो आपका जो ईयर डाउन है वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना। बाकी बैकलॉग के बारे में मैंने आपको सारी जो चीज़ है वो बता दी, बस एक्टिव बैकलॉग मत कर रखना, बाकी आपको जो करना है कर सकते हो, मज़े करो। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में निकल जाते हैं बैकलॉग्स, ठीक है, बट अगर एक बार लटक गया तो फिर वो लटक जाता है और फिर वो एक्टिव बैकलॉग बन के जो है वो आपकी प्लेसमेंट्स की धज्जियाँ उड़ा सकता है, ठीक है। तो ट्राई करो, अच्छी पढ़ाई करो, बैकलॉग नहीं लगा तो बहुत बढ़िया, अगर लगता भी है तो क्लियर कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए और उनका भी जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।